विधायक थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक से कुछ ही पहले एक मोटरसाइकिल में सवार तीन युवकों ने बंदूक के बल पर घटना को दिया अंजाम। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट नकुल देव रजिस्ट्री ऑफिस से रुपया लेकर एक्सिस बैंक जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस की खुलतापोल घटना सहायक थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ है। ऐसे में सहायक थाना क्षेत्र की गश्ती दल पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोना रानी के साथ कटिहार से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हमारे 10 लाख की लूट की सूचना आ रहा है, क्या है? हमारे थाना में राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ है, जिसका नाम नकुल देव राम है, जो मधेपुरा के सोसाइट में निवासी है। वह सहायक थाना पर रिपोर्ट किया है लगभग 3:15 बजे और बताया है कि राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का 10 लाख रुपया जो था जो रजिस्ट्री ऑफिस के पास से ला रहा था, इसी क्रम में जीआरपी चौक से पहले तीन व्यक्ति जो मोटरसाइकिल करा रखे था गाड़ी को नियंत्रित करके और रुपये को छीन करके और आगे था। इस संबंध में हम लोग भी आ गए, हमारे टाउन थाना सहायक थाना से लिया गया है। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया लगता है जो ये सड़क है वो इतना चालू है, इसमें दिन दहाड़े इस तरह की पिस्तौल दिखाने पर अगल बगल देखता काफ़ी भीड़ भरी हुई है, तो हम लोग देख रहे हैं जिसमें क्या है। क्योंकि यह लड़का एक मधेपुरा का है, इसका दरमाहा भी 3200 रुपया है और 10 लाख रुपये ले जा रहा है, तो इस तरह प्रथम दृष्टया संदिग्ध तो लग रहा है। लेकिन हम लोग दोनों बिंदु पर देख रहे हैं क्या संदिग्ध है या क्या है, तो हम लोग बिंदु पर जाँच कर रहे हैं। उनका बयान वयान लिया जा रहा है? हाँ, बयान लिए हैं और जो प्रथम दृष्टया जैसा आप लोग भी देख रहे हैं, जिस तरह की चालू रोड में गाड़ी सेकेंड रुकने पर पीछे वो गाड़ी लग जाती है और उनका ताप एकदम सटा के ले लिया। और यहाँ की अगल बगल में हम लोग जैसे टायर वाली दुकान है बगल में, उसे भी पूछे तो बताया नहीं इस तरह की कोई बात, तो हम लोग इस बिंदु पर देखें। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।